Hello guys, you are welcome to my YouTube channel. As I have taught you about figure of speech in last video, today I am just going to do revision of figure of speech. Figure of speech, अलंकार के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सात प्रकार के अलंकार इंग्लिश में बताए थे, सिमली, मेटाफर, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया। तो ठीक, अब थोड़ा सा मैं इसको आज रिवीजन करूँगा इनके बारे में। रिवीजन करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे बहुत सारे बच्चे या अधिकांश बच्चे स्पेलिंग याद नहीं कर पाते हैं, तो स्पेलिंग याद करने के कई तरीके हैं। थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगा आपको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को पूरी तरह से देखें भलीभांति। एक के बेटे को मैथमेटिक्स की स्पेलिंग्स नहीं आती थी, तो उसको बड़ी चिंता थी कि मेरे बेटे को अभी तक मैथमेटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती है। तो एक बार वो अपने काम पर था पिता, तो बेटा दौड़ते दौड़ते गया, कहा पापा पापा घर में वो आए हैं। ठीक, पापा पापा घर में वो आए हैं। तो पिता कहते हैं कि बेटा जल्दी घर जाओ, आगे चटाई पीछे चटाई, आगे चटाई पीछे चटाई, बीच में उनको वह, आगे चटाई पीछे चटाई बीच में वह और उनका ICS स्वागत कर दो। तो बेटा जाते जाते और इसकी अंग्रेजी बना लेना, कहा और इसकी अंग्रेजी बना लेना, आगे चटाई पीछे चटाई बीच में वह और उसकी अंग्रेजी और उनका स्वागत करना और उसकी अंग्रेजी बना लेना। चटाई, तो बच्चे ने कहा यार मैट, आगे चटाई मैट और पीछे चटाई मैट, बीच में वह ही और ICS। तो इस प्रकार से मैट ही मैट ICS। तो एक ये रोचक बात भी हो गई और याद करने का तरीका भी हो गया, मैट ही मैट ICS। तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग बच्चे को आसानी से आ गई। अब कई है जैसे लंबे लंबे स्पेलिंग्स हैं, लंबी लंबी, और उनको याद करने में कठिनाई होती है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो जैसा कि एसेसिनेशन है, एसेसिनेशन, अब इसको याद करने का तरीका, गधा गधे के पीछे गधा, गधे के पीछे मैं और मेरे पीछे मेरा राष्ट्र, गधा गधा मैं राष्ट्र, इनकी अंग्रेजी बना दो, एस एस आई नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र, एस गधा, एस गधा, आई मैं, नेशन राष्ट्र। तो ये हो गया SSC, क्या हो गया SSC नेशन, SSC नेशन हत्या,
किसी की हत्या करने को अंग्रेजी में असैसिनेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम स्पेलिंग याद कर सकते हैं। जैसे अब छोटे बच्चे के लिए है, जैसे मैंगो है नर्सरी वगैरह में, ठीक है, आदमी आया और उसको जाओ कह दो, आदमी को जाओ कह दो, मैन गो, ये तो ये हो जाएगा मैंग गो। इस प्रकार से हम पहले छोटे बच्चों को इन्हीं विधियों से पढ़ाने का प्रयास करें, और तब बड़ी बड़ी जैसे एसेसिनेशन है, मैथमेटिक्स है, इनकी स्पेलिंग जो मैंने बताया, इसको ध्यान दीजिएगा इन पर और अमल भी कीजिएगा। इस प्रकार से हम कई अपने उदाहरण बना करके हम स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं, और ये एक चुटकुला भी हो गया और उसके बाद हम याद करने में आसानी होती है। तो जैसा कि मैंने रिवीजन की बात कही, फिगर ऑफ स्पीच, पहला तो सिमली मैंने बताया था, सिमली दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड विच आर सिमिलर एट लेस्ट इन पॉइंट इन वन पॉइंट सॉरी। ठीक, तो ये सिमली की डेफिनेशन हुई, और सिमली में हम लाइक एज एज सो वर्ड्स आर यूज्ड। ठीक, माय लव इज लाइक अ रेड रोज, सिमली में ये माय लव इज लाइक रोज, लाइक ही थॉट लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड, कहिए या कुछ भी लगा सकते हैं आप बाद में। सेकेंड, तो फर्स्ट हुआ सेकेंड मेटाफर, मेटाफर, मेटाफर इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स लाइक एज सो आर नॉट यूज्ड। ठीक, तो जैसे ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, ये तो सीधे सीधे इसमें स्टार से इसको कंपेयर्ड कर दिया गया है। राणा प्रताप वॉज अ लायन इन द बैटल फील्ड, लाइक अ लायन नहीं, वॉज लायन, राणा प्रताप वॉज लायन इन सच वे। ठीक, राणा प्रताप वॉज अ लायन इन द बैटल फील्ड। ओके, नेक्स्ट हाइपरबोल, नेक्स्ट है हाइपरबोल, यस हाई हाइपरबोल। हाइपरबोल को अतिशयोक्ति बोलते हैं, कहा जाता है हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर, एज सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स,
wept oceans of tears. 10,000 saw I at a glance. 10,000. Thousand. 10,000 saw I at a glance. एक नजर में 10,000 को देखा मैंने, जो संभव नहीं है। हाइपरबोलिक वर्ड्स, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स, एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेज हैविंग अपोजिट मीनिंग। यहाँ विरोधाभास हम बोलते हैं, बिटर स्वीट, बिटर स्वीट, आइडली बिजी, आइडली बीजी, ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, बेटर स्वीट, आइडली बीजी, ओपन सीक्रेट। दीज वर्ड्स, दीज फिगर ऑफ स्पीच इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। पर्सोनिफिकेशन, नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन, यस पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनैनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट नोशन आर थॉट ऑफ एज पर्सन और हैविंग लाइफ। किसी भी जानदार वस्तु या निर्जीव वस्तु को जीवित रूप में पुकारना, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ and water, I am the daughter of earth and water. Let not ambition mock their useful toil, let not ambition, let not ambition mock their useful toil, ambition mock their useful, their useful toil, personification। नेक्स्ट है एपस्ट्रोफी, एपस ट्रॉफी, एपस्ट्रोफी इसको कहते हैं संबोधन। मिल्टन, मिल्टन दाउ शुड मिल्टन ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कैन बी यूज्ड
मिल्टन दाउ शुड दाउ शुड सुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर बी लिविंग एट दिस आवर लाइफ नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एपोस्ट्रोफी नाउ लास्टली ओनोमोटोपोइया ओनोमोटोपोइया इसको कहते हैं ध्वन्यात्मक अलंकार ध्वन्यात्मक अलंकार ध्वनि ध्वनि अलंकार भी इसको कहा जाता है जैसे मरमरिंग ऑफ द बीज मरमरिंग ऑफ द बीज बजिंग ऑफ द फ्लाइज ये मर्मरिंग बजिंग दीज आर द साउंड्स मर्मरिंग इज द साउंड ऑफ बीज एंड बजिंग ऑफ द साउंड्स ऑफ फ्लाई ये है ध्वनि अलंकार इनका प्रयोग किया जाता है ओके नाउ अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी जो ग्रामर से संबंधित होगी तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा